हेलो दोस्तों, मनमीत्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो हमारी आखिरी रेसिपी जो हमने देखी थी वो थी कंडेंस मिल्क की। तो मैंने बताया था कंडेंस मिल्क से हम लोग एक बहुत ख़ास रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे 2-in-1 आइसक्रीम, जिसमें हम स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम बनाएंगे और उसे एक ही बॉक्स में जमा के और फिर एक साथ स्कूप आउट करेंगे। तो ये कॉपी है क्वालिटी वॉल्स की, जो एक 2-in-1 आइसक्रीम आती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, मनमीत्स किचन में कुछ ख़ास रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो जो हमारी आज की रेसिपी है, इसमें हम रियल स्ट्रॉबेरी से पूरी स्ट्रॉबेरी सॉस बना के और फिर आइसक्रीम बनाएंगे। बाहर सिर्फ एसेंस का यूज़ होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ हम लेंगे व्हिप क्रीम, जो कि मैंने 400 से 450 ग्राम के बीच में ली है। उसके बाद यहाँ मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली हैं, 220 ग्राम के आसपास का बॉक्स था ये। थोड़ी सी चीनी ली है स्ट्रॉबेरी के लिए और यहाँ मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। तो लास्ट रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो 210 से 220 ग्राम्स के बीच में है ये कंडेंस मिल्क। और जितनी चीनी है इसके अंदर, ये एकदम उतनी है जितनी मार्केट में आइसक्रीम्स में होती है। अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी चीनी कम रखना तो आप कंडेंस मिल्क थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रॉबेरी सॉस बना लेते हैं। बहुत इजी है वो बनानी। आप देख सकते हैं मैं स्ट्रॉबेरीज़ को एकदम बारीक काट रही हूँ। अगर आपने मेरी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी नहीं देखी तो वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें भी हमने ऐसे ही स्ट्रॉबेरी सिरप बना के और अपनी रेसिपी बनाई थी। वो एक नो बेक केक था, मैं उसका लिंक दे दूँगी ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से पकाना है हमें, जब तक वो एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाती और एकदम सॉस की तरह नहीं लगती। तो यहाँ पहले लो फ्लेम पे रखिए आप स्ट्रॉबेरीज़ को। मैंने साथ ही साथ शुगर डाल दी थी, तो होगा क्या ना, शुगर मेल्ट होगी और स्ट्रॉबेरीज़ अपना जूस छोड़ेंगी, तो उससे वो पकती जाएगी। हमें कोई पानी नहीं ऐड करना। और हम ये आइसक्रीम बहुत सिंपल वे में बनाने वाले हैं। सिर्फ हम जो नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम आती है, मैंने उसका यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, उससे जो है आइसक्रीम थोड़ी सी हैवी होती है। तो यहाँ हम स्ट्रॉबेरी सिरप को मीडियम फ्लेम पे पका रहे थे, जैसे ही थोड़ा लिक्विड हो गया था। और अब आप देख सकते हैं एकदम डार्क कलर आ गया है। तो यहाँ पर हम सॉस को ठंडा होने रख देते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारी व्हिप्ड क्रीम थी ना, ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए। आप इसे फ्रीज़र से ही निकालें सीधा, इसे अच्छे से व्हिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बाउल भी एकदम ठंडा लिया है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए और हमारी क्रीम जल्दी से व्हिप हो जाए। और एकदम जब कहते हैं ना सॉफ्ट पीक्स आ जाएंगी, तब तक हमें व्हिप करना है। यहाँ मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दूंगी। जो वनीला आइसक्रीम होती है उसमें वनीला एसेंस डाला जाता है, और जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है बाहर मार्केट में, उसमें एसेंस प्लस फूड कलर डाला जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा वनीला तो डाल ही दिया है। हम आइसक्रीम या क्रीम जो है उसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट पीक्स आ जानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कंडेंस मिल्क लिया था ना, उसे भी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे भी व्हिप कर लेंगे एक बार। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने से ना बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा हमारी आइसक्रीम का। आप अगर सिर्फ व्हिपिंग क्रीम लेंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी। हमें कुछ ऐसा मिल्क सॉलिड चाहिए जो थोड़ा सा हैवी भी हो। तो कंडेंस मिल्क आपको पता है काफ़ी क्रीमी और रिच होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है ऐड करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीम हो गई है। ये परफेक्ट है आइसक्रीम के लिए, इससे ज़्यादा इसे हमें व्हिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। जो प्लेन पोर्शन है वो हमारा वनीला आइसक्रीम होगा, और जो दूसरा पोर्शन है उसमें हम ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाल देंगे। तो ये जो स्ट्रॉबेरी सॉस या स्ट्रॉबेरी सिरप बनाया है हमने, और इसको हम इसमें मिला रहे हैं। आप अगर ये वाली आइसक्रीम एक बार बना लेंगे ना, तो आपको मार्केट की आइसक्रीम अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एकदम रियल स्ट्रॉबेरी से अपना स्ट्रॉबेरी सॉस बनाया है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप 2-in-1 आइसक्रीम नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के हल्के हल्के चंक्स हैं बीच में, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी आइसक्रीम एग्जैक्टली उसका प्रिपरेशन पूरा डन है। इतना ही करना है हमें आइसक्रीम बनाने के लिए। तो यहाँ पर कैसे सेटअप करा है मैंने थोड़ा सा लिफ्ट कर लिया है जो बॉक्स है उसे। मैं यहाँ प्लास्टिक का बॉक्स ले रही हूँ एयर टाइट। तो पहले हम वनीला वाला जो आइसक्रीम है वो डाल देंगे। यहाँ पर आपको किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। अब इसको ऐसे पकड़ी रखिए और साइड पे आप अपना स्ट्रॉबेरी वाला जो मिक्सचर था वो डाल दीजिए, और बॉक्स को धीरे धीरे नीचे कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप पार्टीशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब आपने वनीला आइसक्रीम डाल दी थी ना, तो उसी तरह उसे
खड़ा करके आप थोड़ी देर फ्रीज़ कर लीजिए ताकि जो आपकी आइसक्रीम है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, और फिर आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये सेटअप किया है, काफ़ी ईजी है, थोड़ा अनइवन भी होगा तो चलेगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो मैंने अभी नहीं दिखाया, बट आपको इसको क्लिंग फिल्म से कवर करना है। प्लास्टिक जो है बिल्कुल टच होना चाहिए आइसक्रीम के ऊपर। इससे क्या होता है ना, आइस क्रिस्टल्स जो बन जाते हैं ना कई बार आइसक्रीम पे, वो नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन मैं आपको अभी फ्रीज़र से निकाल के दिखाऊंगी। तो अब हमें इसे क्या करना है, इसे 12 घंटे फ्रीज़ करना है और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिंग फिल्म चढ़ा दिया था, जब वो एकदम मेल्टेड थी आइसक्रीम तभी एकदम चिपका के उसे लगाना है। और मैंने यहाँ पर टेम्परेचर -11 डिग्रीज कर रखा था, तो ये आइसक्रीम बहुत टाइट है अभी। मैं एक और सजेशन दूंगी कि जब आप आइसक्रीम सर्व करें तो इसे थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दें, 5 मिनट के लिए, या फिर अगर आपका -18 -17 डिग्री पे है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जो आपका आइसक्रीम स्कूप है आप इसे गर्म पानी में डाल के भी या नॉर्मल पानी में डाल के भी आइसक्रीम निकाल सकते हैं। एक बार टेक्स्चर देखिए आइसक्रीम का, अगर आपको नहीं लग रहा मार्केट जैसा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ट्रस्ट में बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी है, तो आप इसे जैसे भी स्कूप आउट कर सकें इसे फटाफट करना होगा, क्योंकि ये आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होगी। बाहर बहुत चीज़ें डाली जाती हैं आइसक्रीम में, इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जैसे कि सॉलिडिफायर्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वो एकदम से मेल्ट नहीं होती, बट हमने एकदम नेचुरल तरीके से बनाई है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए, और मनमीत किचन के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज़।